नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत। में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक का उनके थाना पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने सलामी देकर स्वागत किया। इसके साथ ही अधीक्षक ने घुंगचिहाई थाने का औचक निरीक्षण भी किया। बता दें कि थाना अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश भी अधीक्षक अविनाश ने दिए। सर, घुंगचिहाई थाने का निरीक्षण किया है, क्या खामियां पाई गई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? ये थाना घुंगचिहाई का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आज आए हुए थे। ऐसी कोई विशेष खामी नहीं पाई गई है। पीछे कुछ गंदगी थी, उसके लिए कहा गया है, उसको जो नए एसओ आए हैं उन्होंने कहा है तत्काल साफ सफाई कराएंगे। बाकी रिकॉर्ड का मेंटेनेंस, मालखाने का मेंटेनेंस, बीट कॉन्स्टेबल्स की बीट पुस्तिका और सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। जो और इम्प्रूवमेंट कराना है उसको कराएंगे। धन्यवाद। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ साइबर थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर युवती के वीडियो से छेड़छाड़ की और उसे अश्लील बनाकर वीडियो को वायरल कर दिया। युवती ने एसपी से मिलकर मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले की गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शाह चौकी प्रभारी, आपको बता दें कि अविनाश मिश्रा की टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। बता दें कि आरोपियों ने 10 मई को शाह कस्बे में सत्यप्रकाश तिवारी के घर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ज्वेलरी बरामद करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की है। पांच दिन से लापता लड़के की तलाश में नाकाम फरदान थाना पुलिस की कार्यशैली से नाराज। आपको बता दें कि गांव वालों ने सड़क जाम की है। दरअसल रिंकू जो 5 दिन से लापता है, उसकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जोड़े लेकर बार बार थाने और चौकी के चक्कर लगाने से नाराज परिजनों ने अंत में परेशान होकर रोड जाम किया है। आगरा के सदर क्षेत्र के देवरी रोड का मामला है, जहां एक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। इसके साथ ही अस्पताल और 2 क्लिनिक भी सीज, आपको बता दें कि सील किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अस्पताल में अवैध रूप से गर्भपात होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये कदम उठाया है। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण भी आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है, जिस पर जवाब न मिलने पर उन पर मुकदमा भी किया जाएगा। ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कोई महिला द्वारा आसपास के चिकित्सालयों से गर्भवती महिला और जीएनसी की शिकायत प्राप्ति थी। उसको देखते हुए आज हमारी टीम गई है और उसमें कार्रवाई चल रही है और आसपास के चिकित्सालयों पर उन्होंने जाँच किया और इस तरह से जहाँ भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तत्काल विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई करके उस पर वैधानिक कार्रवाई की। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां लालबाग चौराहे पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि उसके उपरांत राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया, जिसमें कहा गया जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी यात्री समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। देश के, आपको बता दें कि नई सरकार के शपथ के समय इस प्रकार का कृत्य करके इस्लामी आतंकवादियों ने देश के संप्रभुता को चुनौती दी है। किया गया, किस विषय में किया गया? ये इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। पूरे देश में बजरंग दल द्वारा ये अभियान 12 तारीख को केंद्र द्वारा निर्धारित किया गया था, उसके निमित्त ये किया गया है। जो जम्मू में घटना हुई है,
शिवखोड़ी जाते समय एक बस के साथ में जो आतंकवादी हमले से अपने 9 लोगों को मारा गया है। इस घटना को निंदा करते हुए हम लोगों ने पूरे देशव्यापी एक आंदोलन था कि विरोध प्रदर्शन करना है और पुतला दहन का, आतंकवाद का पुतला दहन करना है। तो हम लोगों ने पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से भेजा गया है, जिस माध्यम से सरकार से अपील की गई है कि कठोर से कठोर कार्रवाई और बड़ा कदम उठाए सरकार, ऐसे आतंकवादी गतिविधियां अगर चलती रहेंगी। बहराइच धर्मापुर रेंज के एक गांव में देर रात तेंदुआ घर में कूद गया। आपको बता दें कि इसके बाद उसने 6 वर्षीय बालक पर हमला भी कर दिया। सीएससी में इलाज शुरू होते ही बालक की मौत हो गई। कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मापुर रेंज के ग्राम पंचायत जलिहा के माजरा टिपरा गांव निवासी शाहिद का मकान जंगल से 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। रात को परिवार के लोग छत पर सो रहे थे जबकि अन्य लोग नीचे थे। देर रात जंगल से निकलकर तेंदुआ घर में घुस गया। इसके बाद 6 साल के वाहिद को तेंदुआ जबड़े से दबोचकर घर के बाहर लेकर चला गया। परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ बालक को छोड़कर फरार हो गया। रात में ही बालक को वाहन से सीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई। मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस के धमकाने से डरे लड़के ने फांसी लगा ली। दरअसल मामला कानपुर नगर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के गोरिया गांव का है, जहां पर मैच खेल रहे लड़कों का एक फोन खो गया था, जिसके चलते शिवा और उसका साथी वहां खेलने गए थे। इसके बाद शिवा के ऊपर फोन चोरी का आरोप लगा था और उसे लेकर शिवा के साथ मारपीट भी की गई थी। फोन चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई, इसके चलते पुलिस ने शिवा को थप्पड़ मारकर डराया था ताकि पुलिस के डर से फोन दे दे, लेकिन शिवा ने फोन नहीं चुराया था। घर में कई बार उसने बताया कि उसने फोन नहीं चुराया, लेकिन पुलिस लगातार शिवा को डरा रही थी, जिसके चलते डर की वजह से नाबालिग शिवा ने खेत में पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। बता दें कि मृतक शिवा की बहन गोल्डी ने भी पुलिस के द्वारा मारपीट और धमकाने की पुष्टि की है। आज थाना महाराजपुर के गोरिया गांव में पुलिस को सूचना मिली एक शव की, मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ शिवा पाल सिंह, उम्र लगभग 16 साल है, तो यहाँ पेड़ पर लटकी हुई उसकी बॉडी मिली है। तो बॉडी को उतरवा कर शव का पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भिजवा दिया गया। तहरीर प्राप्त की जा रही है, आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जाएगी। फांसी लगाने के क्या कारण रहा है? सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जैसा बताया कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, उसी सूचना पर पुलिस आई हुई थी, जांच की गई थी। तो जो जो पहलू हैं वादी घर वाला जो जो बिंदु बताए गए उन सभी बिंदुओं को नोट कर लिया गया, बिंदुवार जांच होगी और आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस रात में धमकाया और मोबाइल चोरी में। जैसे मैंने बताया कि जो जो बिंदु वादी के घर द्वारा बताया गया सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का साफ संतुलन के अनुपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को डराने धमकाने पर युवक ने लगाई फांसी, पुलिस के ऊपर मारपीट करने का आरोप। पूरा मामला कानपुर नगर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक ने खुद को फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल 2 दिन पहले मोबाइल चोरी हुआ था, जिसका आरोप शिवा के ऊपर आया था, जिसके चलते पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने शिवा से पूछताछ करने उसके घर गई थी और पुलिस ने सोचा कि डरा धमका कर उससे किसी तरह से फ़ोन को कबुलवाया जाए कि अगर फ़ोन चुराया है तो बता दे, लेकिन शिवा के द्वारा नहीं बताया गया। शिवा का साफ कहना था कि मैंने फ़ोन नहीं चुराया है, मेरे साथ का लड़के ने चुराया हो तो हमको पता नहीं है। लेकिन पुलिस के लगातार डराने धमकाने से युवक ने आज फांसी लगा ली है। आज सुबह लगभग फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना मिलने पर महाराजपुर पुलिस व थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज समेत सभी फोर्स पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन परिजनों का आरोप है और उसकी बहन का आरोप लगाना है गोल्डी द्वारा कि पुलिस ने थप्पड़ मारकर धमकाया डराया है और जेल भेजने के लिए कहा था, जिसके चलते हमारे भाई ने फांसी लगा ली है। और उसके पिता का भी यही कहना है कि मेरे भाई बेटे द्वारा कोई फ़ोन नहीं चुराया गया है और उसके ने उसके साथ के लोगों ने चुराया होगा, जबकि मैंने घर में पूछा उससे तो उसने साफ बताया मैंने नहीं चोरी। पुलिस ने लगातार डराया धमकाया, जिसके चलते उसने फांसी लगा लिया है। अब पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है, देखना है उच्च अधिकारी इस पर क्या करते हैं। वहीं कारखा से ACP आए थे, कारवाहक ACP आए थे मुसीम खान, उन्होंने बताया कि जिन बिंदुओं में किसी के ऊपर आरोप लग रहा है अगर ऐसा पाया जाता है
सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, कौन सामने निकल के आता है कि किसने मोबाइल चोरी की और क्या पूरी घटना में कौन आरोपी है। अगर पुलिस के ऊपर आरोप लगा है तो आखिर कोई कारण होगा, देखने वाली बात होगी। कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देने का मामला सामने आया है। इसमें मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की के सिर पर तमंचा रखकर डराने धमकाने और मजहबी नारे लगाने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग 14 वर्ष लड़की का पिछले 2 वर्षे से, आपको बता दें कि युवक डरा धमकाकर उसको परेशान कर रहा था। बता दें कि समीर लड़की के भाई को मारने पीटने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल करता था। परिजनों के मुताबिक आरोपी समीर और पीड़ित लड़की का घर आसपास है। लड़की के परिजनों ने जब इसकी सूचना, आपको बता दें इसकी शिकायत आरोपी के परिवार वालों से की तो पूरा परिवार उनको मारने की नीयत से घर पर चढ़ गया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि परिवार दबंग है। प्रकरण संज्ञान में आया हम लोग को, थाना विंध्याचल का है। इसमें एक लड़की है जिसे कि एक मुस्लिम लड़की की लगातार बात हो रही थी पिछले कुछ समय से। उसके बाद बातों के क्रम में ही वो उस पर दबाव बनाने लगा, उसे धमकी देने लगा और जब परिवार वालों ने पुलिस को उसकी सूचना दी तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत एवं कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है तथा जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो और उसके परिवार वाले जितने भी लोग को इसकी जानकारी थी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व थे सभी को उसमें नामजद किया गया है और सभी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी तथा आगे भी इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कठोर कार्रवाई हो और उनके जो मुकदमे लिखे जाएंगे उनकी प्रभावी कार्रवाई कर जल्द से जल्द उसमें सजा दिलाने का प्रयास किया। क्या कोई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं सर? देखिए अभी कई लोग की गिरफ्तारी इसमें की गई है और शेष लोग जो है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया। सब लोगों ने सूचना दी पुलिस को तो तत्काल हम लोग इसमें एक्शन में आए हैं। उन्होंने हालांकि सूचना थोड़ा देर से दिया उन लोगों ने, लेकिन अब हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं, उनसे बात हो रही है और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन हम लोग पर्सनली इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आगे कोई भी इस तरह की घटना ना हो और ये जो घटना हुई है इसमें कठोरतम कार्रवाई है। क्या बात है भैया? भैया यहाँ हम 3-4 साल से रह रहे हैं, पहले किसी दूसरे जगह रहते थे। हाँ। यहाँ 4 साल लेके छोटी सी किराना की दुकान लगा के हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ। इधर हम जब नहीं रहते तो एक समीर नाम का लड़का है वो इधर आता है कभी, तो हमको तो मालूम नहीं है हमारी बच्ची को डराना धमकाना कि आज तुम्हारा भाई मार खाएगा। अच्छा। नहीं तो तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। हाँ। तो ये बात जब कह कर जाता और शाम को मेरा लड़का मार खा जाता और फिर उसके बाद आता देखो कहे थे ना तुम्हारी बच्ची मार खा गई, अभी चामुंडा देवी पर ब्लेड कांड हुआ है, किसी लड़के ने ब्लेड मारा है, ये बात मेरी बच्ची से आके बताया कि आज ब्लेड कांड होगा, वो आके देखो सुधर जाओ। इसके कहकर उसके दिमाग में अश्लील बातों बात करता था और उसको अल्लाह अकबर और सलाम अलैकुम की चैटिंग करता था। ये हमें बात तब मालूम हुई कि जब एक रात को मेरा मोबाइल किसी तरह से हम देखे, हमारा मोबाइल जब हमको समझ आया वो चैटिंग डिलीट कर देता करवा देता था। हाँ। और जब उस दिन पता नहीं क्या ऊपर वाले की कृपा थी क्या थी कि जब हम ये चैटिंग पढ़े कि अस्सलाम वालेकुम बच्चा जान ये सब की बातें बुलवाता था। हाँ। जब ये इस तरह की हमने चैटिंग देखा तो हमने पूछा तो वो माँ बहन की गाली देते हुए ये आया ऊपर कमरे में, उस दिन घुसा था, रंगे हाथ पकड़ा हमने उसको, उसकी वीडियो है, हमने पुलिस को इत्तला किया है, कल पुलिस से हमको सांत्वना मिली थी कि 24 घंटे के अंदर नतीजा मिल जाएगा, लेकिन 24 घंटे से ऊपर हो गए, कल पुलिस एक बार दबिश दी फिर कुछ नहीं हुआ। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वैष्णवी केसरी है। क्या मामला था, कुछ मामला है क्या? कौन था? 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। कौन? समीर। हाँ, कहाँ घर उसका? उसका घर मेरे बगल में है। क्या कह रहा था? कह रहा था 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था बंदूक जब देती तो बंदूक आके दिखा देता था और वो कहता था वालेकुम अस्सलाम बोलो, अगर नहीं बोलते थे तो वो हमें मेरे भाई को मारने की धमकी देता था। और कुछ कहा आपको? और एक दिन मेरे घर के अंदर घुसाया था जबरदस्ती। तो और घर वाले आपके कहाँ थे?
घर वाले मेरे घर वाले थे हाँ, और मेरे सर पे बंदूक आके रख दिया था। बंदूक रखा था, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम बोलने के लिए कह रहा था जबरदस्ती? और क्या कहा, और क्या क्या कहा था वो? अस्सलाम वालेकुम और कुछ? ये शुरुआत कैसे हुआ बेटा? ये दोस्त पहले हमसे बात करता था तो भैया बोलते थे, लेकिन एक दिन हमसे कहा मिलने के, जब उसे हम मना किए मिलने के लिए तो हमें ब्लैकमेल करने लगा। वो कहने लगा कि तुम्हारे भाई को मार देंगे, ये कर देंगे, बंदूक ला के दिखाया हमें एक दो बार। तो उसी से ऐसे ही ये अल्लाह अकबर बोलने कर रहा था। हाँ। क्या क्या अल्लाह अकबर बोलो, वालेकुम अस्सलाम बोलो। अच्छा बस इतना ही, नमस्कार।